हाय गाइस, मैं आज जैसे भाइयों ने कमेंट करके पूछा था कि राशिद खान की ग्रिप और राशिद खान का मतलब, मैं आपको आज आपको सब कुछ बताऊंगा। राशिद खान की ग्रिप कि शेन वॉन कैसे डालता है और मतलब राशिद खान और शेन वॉन में क्या डिफरेंस है, कहां से क्या पकड़ने की ग्रिप, आज इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो मैं अगर बात करूँ तो जैसे मैं पहले डालता था तो मैं शेन वॉन पहले, राशिद खान तो अभी लेट आए हैं, जैसे पहले शेन वॉन डालते थे तो मैं भी 11 से ही डालता था, ऐसे करके डालता था बॉल। पहले मैं आपको एक बार ग्रिप बता देता हूँ कैसे। देखो ग्रिप उसकी ये ऐसे करके थी, ये करके थी शेन वॉन की, सिंपल है बहुत, ये हर कोई बंदा बना लेता है इससे, मतलब कोई ऐसा नहीं है। और इसको जब मैं ऐसे करके फेंकता हूँ तो मैं अपनी इस वाली उंगली से फेंकता हूँ, इस वाली उंगली से ये करके, और इस वाली उंगली से ऐसे करके फेंकता हूँ, तो ये बहुत प्रिडिक्टेबल है कि बंदा यहाँ से फेंक रहा है, कि ज़्यादातर उसकी लेग स्पिन नहीं आएगी। जब मैं इसको ऐसे करके फेंकता हूँ ये करके और यहाँ से फेंकता हूँ ऐसे करके, तो इस मेरी लेग स्पिन नहीं आएगी इसमें कोई। और गुगली का बहुत हार्ड है इसमें गुगली, क्योंकि गुगली इसमें ऐसे करके ना बहुत स्लो भी जाएगी, ऐसे करके जैसे बैक ऑफ द हैंड निकलेगी तो बहुत स्लो जाएगी। अब बात करते हैं राशिद खान की। एक भाई ने पूछा था मेरे से कि भाई राशिद खान लेग स्पिन कैसे डालता है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी राशिद खान अपनी बॉल डालता है वो अपने इस फिंगर का यूज़ करता है। देखो मैं आपको बॉल पकड़ के यूज बताता हूँ, जैसे वो ना बॉल ऐसे करके पकड़ता है, ऐसे करके जब वो बॉल डालता है राशिद खान, तो जैसे ये करके है ना, ये करके उसका ये करके, तो मैं अपनी यहीं से ही 12 से ही उंगली यहाँ से ये वाली उंगली मारता हूँ, अपनी ये वाली मतलब उंगली मारता हूँ, अपनी ये वाली ऐसे करके ये मारता हूँ उंगली। और जब मैं उसमें गुगली डालता हूँ तो गुगली के अंदर जैसे मेरी लेग स्पिन में ये वाली ग्रिप थी मेरी, ये वाली, तो आपने देखा होगा राशिद खान जब भागते हैं तो ऐसे करके ग्रिप चेंज कर लेते हैं पीछे से। तो ग्रिप कैसे चेंज करते हैं, जैसे उन्होंने ये पकड़ रखी है ना, ऐसे करके पकड़ रखी, उसको ग्रिप को ये कर लेते हैं ऐसे करके, ये अब ऐसे करके जैसे ऐसे करके यूँ फेंकते हैं ये वाली, और यहीं से ये गुगली भी डलेगी। आपने अभी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे करके, ऐसे करके गुगली भी इससे ही सेम वो बिल्कुल ये यहीं पे ही, क्योंकि ये ना इसका झटका यहीं पे लगता है गुगली का, और इसका जो राशिद खान डालते हैं उनके लेग स्पिन का भी झटका इससे यूँ लगता है। तो इससे क्या होता है कि दोनों बोले लेग स्पिन भी तेज़ निकलती है और गुगली भी तेज़ निकलती है, तो पकड़ में नहीं आती। अब मैं आपको कुछ बॉलें डाल के दिखाता हूँ, अगर तब भी किसी भाई को थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछ लेना। और गाइज अभी आप पहले जो वीडियो में देखेंगे, पहले मैं कुछ बोले आपको शेन वॉन के एक्शन से डाल के दिखाऊंगा यहाँ, जो आपको सबको डालनी आती होंगी उसमें कोई बात नहीं, उसके बाद मैं डालूंगा राशिद खान सर के इस वाले एक्शन से, तो आप दोनों का देखना कि मैं कैसे डालता हूँ, ठीक है? ओके दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं पहले शेन वॉन 2 साल पहले करीबन मैं शेन वॉन सर के एक्शन से डालता था, लेकिन उसके बाद मैंने स्विच कर दिया राशिद खान सर के उससे एक्शन से। लेकिन अब देख लो ये गढ़वाली इतना ढीट है कि विकेट देने का नाम ही नहीं ले रहा, और मैंने इसको बोला भी, मैंने कहा भाई वीडियो के लिए विकेट दे दे, मेरे को वीडियो बना दे, तो ये लेकिन इसने मना कर दिया, कह रहा भाई मैं तो नहीं दूंगा। अब देखते हैं मैंने इसको आउट करने के लिए क्या तरकीब लड़ाता हूँ। दोस्तों, मैं जो बॉल डालने वाला हूँ ये बाहर से अंदर की साइड आएगी, ड्रिफ्ट होगी हवा के अंदर ही, जो शेन वॉन अक्सर किया करते थे बाहर वाले एंगल से फेंकते थे और वो हवा में स्विंग होते होते मिडल स्टंप तक पहुँच जाती थी, उसमें बैट्समैन को मतलब ब्लाइंड स्पॉट से आती थी वो डायरेक्ट, मतलब एक टाइप की है और कर ही समझ लो ये ऐसी बॉल डालूंगा, वरना इसने गढ़वाली ने मेरा खून पी के रख लिया था। और दोस्तों, अब मैं राशिद खान सर के एक्शन से डालूंगा, और ये तो मेरे लिए बाएँ हाथ का खेल है कि इसको मैं लेग स्पिन में ऐसे ही आराम से बोल्ड कर दूंगा, ये मुझे पता है कि कैसे आउट होता है। और दोस्तों, अब मैंने इसको बोला कि मैं अब तेरे को तीसरी बारी जो बोल्ड करूंगा वो गुगली से ही करूंगा, तो ये भी अड़ गया था कि मतलब मैं ये बहुत बाहर की बॉल लगी, मतलब बैट मतलब अच्छे से फेस खोल रहा था और आगे बढ़ के भी मार रहा था, मतलब पूरी तरीके से कर रहा था, लेकिन मैंने भी इसके मतलब मेरे को पता था इसने एलगार्ड पहन नहीं रखा, मैंने एक दो बॉल इसको ज़्यादा अंदर डाली और इसके लग गई पॉइंट पे। उसके बाद फिर मैंने मेरे को समझ में आ गया इसको कैसे आउट करना है, एक बॉल ज़्यादा अंदर डाल के उसके बाद फिर उसको परफेक्ट गुगली डाल के बोल्ड कर दिया। और दोस्तों, ये जो आप ये वाला जो विकेट देख रहे हो ये ड्रिफ्ट वाली बॉल है, जिसमें जो मैं ये वाली मैं लेग्स जो मैं लेग स्पिन कराता हूँ उस वाले मतलब फिंगर से पकड़ता हूँ और उसको खींच के मारता हूँ इस वाली बॉल को, तो ये अपने आप ही ड्रिफ्ट होकर अंदर जाती है जो राशिद खान सर अक्सर यूज़ करते हैं। तो इस पर ये मतलब जो मेरा दोस्त है गढ़वाली, ये बैक फुट पे आया था तो ये बैक फुट पे जाने नहीं देती बॉल। तो यही थी तीनों की तीनों डिलीवरियां, आप होप है आपको अच्छा लगा होगा। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मेरे को प्लीज़ कॉमेंट में लिखें, तो मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल हेल्प करूँगा, वीडियो पर वीडियो आएंगी धनाधन धनाधन, क्योंकि अब मेरा पार्क खुल चुका है। चलो अच्छा।